हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम कांजी वड़ा की रेसिपी बनाएंगे। कांजी वड़ा राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। कांजी वड़ा में जो ये कांजी यानी इसका पानी होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो गर्मी के दिनों में आप इसे ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप धुली हुई मूँग की दाल। दाल को पानी डालकर अच्छे से मसलते हुए 2 से 3 बार धो लेंगे। दाल को धोने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे और 7 से 8 घंटे के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। 7 से 8 घंटे बाद दाल अच्छे से फूल गई है। दाल से सारा पानी निकालकर इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 इंच अदरक, 2 छोटी साइज की हरी मिर्च। अब हम दाल को बिना पानी डाले पीस लेंगे। दाल को हमें हल्का सा दरदरा रखते हुए पीसना है। हल्का सा दरदरा रखते हुए पीसेंगे तो वड़े क्रंची बनेंगे। दाल का हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो दाल को हमने पीस लिया है तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया जिसे मैंने दरदरा कूट कर लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह पर आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा, गेहूं के आटे की जगह पर आप इसमें बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। आटा या बेसन हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। बेटर की कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए जितना ज़रूरी होगा उतना ही डालना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया। साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल को हमने अच्छे से गर्म करके लिया है, इससे वड़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तेल गर्म है तो पहले हम इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल का पेस्ट अगर आपको इस समय ज़्यादा गीला लगता है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच आटा या बेसन और भी डाल सकते हैं। तो दाल के पेस्ट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे हाथों से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने से दाल का पेस्ट थोड़ा हल्का होगा और वड़े फूले फूले बनेंगे। तो हमें इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंटना है। दाल के पेस्ट को हमने फेंट लिया है तो अब हम वड़े बनाएंगे। तो पहले हम तेल को गर्म करने के लिए रखेंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। अगर आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल में इसे फ्राई कर सकते हैं। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम वड़े बनाएंगे। तो अब हम एक कॉटन का रुमाल या मलमल का कपड़ा लेंगे और इसे पानी में अच्छे से गीला करके निचोड़ लेंगे। अब हम एक कटोरी या कोई भी छोटा बाउल लेंगे और इस पर रुमाल को अच्छे से टाइट लपेट लेंगे और नीचे से इसे पकड़ कर रखेंगे। रुमाल के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और अब हम वड़े बनाएंगे। 1 चम्मच जितना दाल का पेस्ट लेंगे और इसे कपड़े पर रखकर वड़े का शेप देंगे। अब हम इसे निकालेंगे और तुरंत तेल में डालेंगे। तो तेल को पहले हमें अच्छे से गर्म करना है और फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। इसी प्रकार से अब हम दूसरा वड़ा बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस से हम वड़ा बनाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम कपड़े को गीला करते रहेंगे। थोड़ी देर इसी तरह से वड़े को फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर बाद अब हम इसे पलटेंगे। बीच में हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि तेल ठंडा ना हो। तो वड़े को हमें चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि सारे वड़े बहुत ही अच्छे से फूले हैं और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे बिना कटोरी और कपड़ा लगाए हाथ से भी इस प्रकार से बना सकते हैं। उंगलियों को पहले पानी से गीला कर ले, फिर इस प्रकार से बना सकते हैं।
सारे वड़े बनकर तैयार हैं। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे। पानी में आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। वड़े को अब हम इस पानी में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए अलग रखेंगे। और अब हम वड़ों के लिए पानी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून राई लेंगे। राई को पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। वैसे तो कांजी में सरसों के दाने का पाउडर डाला जाता है, लेकिन अगर आपके पास सरसों नहीं है तो आप इसे राई के पाउडर से भी बना सकते हैं। तो राई को पीसकर हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब हम गैस पर एक कोयला रखकर इसे लाल होने तक गर्म करेंगे। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप इसकी जगह पर आम की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर दोनों ही नहीं है तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस हम पानी को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए करेंगे। तो कोयला अच्छे से लाल हो गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और जिस बर्तन में पानी बनाना है उसमें एक कटोरी रखेंगे। इसमें कोयले को रखेंगे, साथ में 2 चुटकी हींग डालेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे तुरंत 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन को साइड से थोड़ा सा हटाकर इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और फिर से 5 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट में पानी में स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 4 से 5 मिनट बाद अब हम ढक्कन को हटाएंगे और कोयले वाली कटोरी को भी हटाकर अलग कर देंगे। और अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी और डालेंगे। पानी आप वड़े के अनुसार कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम 1.5 लीटर जितना पानी बनाएंगे, क्योंकि कुछ वड़े हम दही वड़े में यूज़ करेंगे। तो पानी में अब हम राई का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 पिंच हींग डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी में नमक और मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पानी बनकर तैयार है, तो अब हम वड़े को पानी में से निचोड़कर निकालेंगे। वड़े को भी पानी में डाले लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम वड़े को पानी में से निकालकर निचोड़कर इसे जो पानी बनाया है उसमें डालेंगे। तो सारे वड़े को इसी प्रकार से पानी में से निकालकर निचोड़कर हमें इस पानी में डालना है। कुछ वड़े को हमने दही वड़े के लिए बचाया है, तो इसे अब हम अलग रखेंगे और अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढककर 24 घंटे के लिए अलग रखेंगे। 24 घंटे में राई के कारण इसका पानी फर्मेंट होगा और कांजी वड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। 24 घंटे बाद कांजी वड़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका पानी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो कांजी वड़े को अब हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। अगर आप इसे ठंडा खाना पसंद करते हैं तो इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद इसे सर्विंग बाउल में निकालें। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। बचे हुए कांजी वड़े को आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं। तो आप गर्मी के दिनों में इस कांजी वड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।